वेलकम टू मिशन DSSSB यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त आशु मेहता। दोस्तों मैंने एक पार्ट पहले अपलोड करवा दिया जिसके अंदर पैडागोजी का सेक्शन जो सीटेट का पेपर है 7 जुलाई 2019 को हुआ है उसकी वेरीफाइड आंसर की के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और दूसरा जो सेक्शन मैंने अपलोड करवा दिया मैथ का जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो दो पार्ट देख लीजिए। ये पार्ट नंबर 3 है जिसके अंदर हम आज पर्यावरण अध्ययन मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, जल्दी मैं ये PDF फाइल सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग में संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, मतलब आपस में मिलकर के बच्चे पीयर ग्रुप में लर्निंग ज़्यादा करते हैं। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये नहीं। कक्षा में अनुशासन को बनाए, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर B, ए और बी। आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, जैसे मेरे पास 61 नंबर क्वेश्चन ये वाला है, आपके पास वो 70 पे हो सकता है, 75 पे हो सकता है, और ऑप्शन में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा ए और बी दोनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतन नहीं है। आकलन करना है, असेसमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या इसमें से सही नहीं है। अब देखिए प्रश्न पूछना तो वो तो होता ही है, न्याय और समानता या सहभागिता। मैं आपको आंसर ही बताता हूँ डायरेक्ट, याद करना, रिमेम्बरिंग। देखिए पर्यावरण के अंदर भी कंसेप्ट होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रट्टा मार के याद करके उसे करवाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को समय अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। सम आकलन जो होता है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जो है वो क्या है। तो सेल्फ असेसमेंट क्या है कि आपकी असेसमेंट एज ए लर्निंग बोलते हैं इसे। ये देखिए 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो हमारी होती है ना फॉर्मेटिव, जो जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, फिर से टेस्ट हो गया, एक पार्ट खत्म हुआ फिर से टेस्ट हो गया, वो होती है असेसमेंट, उसमें बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर आता है उसके अंदर। और जो होते हैं हमारी टर्म एंड के अंदर, मतलब जिसे हम सुमेटिव टेस्ट बोलते हैं, ये फॉर्मेटिव होते हैं ऊपर वाले, सुमेटिव में होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और जो हमारी खुद की लर्निंग, खुद की असेसमेंट हमने करनी होती है उसे बोलते हैं हम, अगर खुद की करनी हो तो उसमें होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो इस टाइप से 3 ये होते हैं, हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं। पहले सीटेट में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए थे, जैसे कि एक हलवाई है वो जब कुछ बना रहा है तो बार बार चखता है तो वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एज लर्निंग, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाते ही रहे हैं हर बार। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल के अंदर आपको पता ही है चेकलिस्ट का, ठीक है, सभी को पता होगा, जान सूची। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके किसने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तीनों वीडियो के अलग अलग मुझे बताएं कि 30 में से आपके कितने बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए परिभाषा, उनको डेफिनेशन सिखाना उद्देश्य नहीं है उनको, बल्कि बहुत कुछ बताना उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। चित्र जो मैप होता है उसको रीडिंग करना। निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। बच्चों में कैसे आकलन हो सकता है चित्र पढ़ने के द्वारा, हम उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्विंग एंड रीडिंग, एक्सप्रेशन एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये सारा के सारे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, अवलोकन भी होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग भी होती है, एक्सप्रेशंस भी होते हैं उसके अंदर, एनालिसिस भी होता है, बट एक्सपेरिमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कुछ होता है नहीं, रीड करने से ये 3 चीज़ें तो हमें समझ आती हैं, बट एक्सपेरिमेंट का कुछ समझ नहीं आता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ABC। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है। झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों का विचार कीजिए। अब झूम की जो खेती है ना, आपने पढ़ी होगी EVS के अंदर क्वेश्चन आते हैं झूम की खेती के। तो एक फसल प्राप्त करने काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये वाला। इस जगह
जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जलाया जाता है। देखिए जलाया जाता है इसके अंदर, बट उखाड़ कर जलाया जाता है ना, यहाँ पे गलती होगी, उखाड़ कर नहीं आना था। तो ये ऑप्शन हो गया कट। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर पर्याप्त राख को खाद की तरह काम में लाया जाता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तब बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट है, बट अब ए तो अकेला पड़ा हुआ है, ए और सी कहीं भी इकट्ठे नहीं पड़े हुए, बी हमारा गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी हमारा गलत है ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ओनली ए, ठीक है, ओनली ए सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर मिट्टी उस टाइप से बने होते हैं, चूने से बने होते हैं, और नीचे दो मंजिला होते हैं ये, ठीक है, टू फ्लोर होते हैं इसके अंदर, तो उस ऊपर वो खुद रहते हैं, नीचे मतलब अपने पशु वगैरह वो सारे के सारे रखते हैं, नीचे घरों की छतें समतल होती हैं, पेड़ों के मोटे तने बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, लेह लद्दाख के अंदर है। अगर आपने EVS का पढ़ा हो तो लेह लद्दाख के अंदर, तो लेह लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ऑप्शन नंबर वन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 69, आदिवासी हजारों साल पहले से ब्रोंज की चांदी सॉरी चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, कांसे के विषय में निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है। तो कांसा जो बनता है वो तांबे कॉपर और टिन का बना होता है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ, नारियल और टेपिकोआ, ये वाला क्वेश्चन EVS के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर है टू, केरल, केरल बिल्कुल सही है, केरल के अंदर ऐसा खाया जाता है, इस टाइप का जो अन्न है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवरों को हमेशा ही, जो लास्ट ईयर पेपर मैंने सॉल्यूशन दिए थे यूट्यूब पे भी और अन अकेडमी के ऊपर भी, अगर अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे मैंने करवाया था कि उन्हें काला और सफ़ेद मतलब ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ठीक है, रात के वक्त। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुओं को जो है ना इंसानों का मित्र माना जाता है, बिल्कुल बात सही है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल में जमीन उपजाऊ होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिसके मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, खरपतवार नहीं खाते, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, और केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये बात भी सही है। तो ए सी और डी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए सी और डी, ऑप्शन नंबर फोर जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 673, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है, तो आपको जो है मैप तो रीड करके ही जाना था, इससे काफ़ी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। तो अगर बात की जाए झारखंड की बात की जाए, ऑप्शन के अंदर क्या है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं, इसका ऑप्शन नंबर है फोर्थ करेक्ट, उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है, उड़ीसा इस जैसे हमारा ये इस टाइप से मैप है तो उड़ीसा इस साइड है, ठीक है, इस साइड ऐसे, तो इस साइड वो झारखंड पड़ता है, उड़ीसा के कहाँ पड़ता है, उत्तर के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 74, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, देखिए पेट्रोलियम से आपको पता है डीजल, मोम और ग्रीस तीनों चीज़ें ही प्राप्त होती हैं, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता, कोयला, इसका ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल करेक्ट है, कोयला। 75, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, अब त्योहारों के उस समूह को चुनना है जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर है फोर, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जो है देव जयंती, गुरु नानक जन्मदिवस मनाया जाता है, रक्षाबंधन और होली, ऑप्शन नंबर फोर जो है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं, आपको पता है गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे चारों में से कौन सा है गुजरात वाला, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल और गुजरात के अंदर, अगर आपको नहीं भी पता था, अगर गुजरात का अकेला पता था फिर भी ऑप्शन नंबर जो है सही हो सकता था। आप एक्स पर स्थित हैं, आपका जो विद्यालय वाई पर है, ठीक है, आपके घर में आपके जो विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अंत आप पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक ऊपर से 30 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ देखिए हम बना के देख लेते हैं, हाँ ये क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया, ठीक है, उसके बाद वो 30 मीटर कह रहा है ऊपर जाना है नॉर्थ की तरफ,
उत्तर की तरफ बोल रहा है वो। उसके बाद बी पर जाते हैं, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, मतलब पश्चिम की साइड है, यहाँ वेस्ट, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ पे वो 40 चला गया। उसके बाद फिर आप सी को जाते हैं बी के ठीक उत्तर में, फिर से उत्तर को जाना है तो ऊपर को जाना है 40, ठीक है, 30 किलोमीटर। एक सेकंड, यहाँ पे क्या गलती होगी, एक्स यहाँ 40 चला गया, यहाँ 30 जाएगा ना, यहाँ पे 30 आएगा, 30 आ गया हमारा। उसके बाद और अंत में वाई पर विद्यालय पहुँचते हैं सी उसके ठीक पश्चिम में, फिर से फिर 40 हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वाई है पड़ा, यहाँ पे हमारा एक्स है। तो वाई बताना है, वाई के रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा। तो वाई से अगर खड़े होकर देखें तो ये हमारा क्या आ रहा है, साउथ के अंदर आ रहा है, साउथ और ईस्ट के अंदर, ठीक है, साउथ और ईस्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर। कोई लड़का मंडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मंडगांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए, आपको पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लेना, इसका डिफरेंस आ रहा है 21.5 घंटे आ रहा है। उसके बाद आपको 1140 किलोमीटर है तो 1140 किलोमीटर को आपको डिवाइड कर देना है 21.5 से, मतलब ये कितना हो गया, 43/2 1140, ठीक है, इस टाइप से तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका जो आंसर है ना वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है 53.02, इस टाइप से कुछ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों को, आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, टिन किसे कहते हैं, जब किसी भूमि पर ना कोई किसान 1 टन बीज बोता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो देखिए आप देख लीजिए, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टिल्ले कहा जाता है। तो रेत के टिल्ले आप सभी को पता ही होगा, अबू धाबी के अंदर रेत के टिल्ले पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब वे लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से आप देखिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए बी और डी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी और डी। ए में है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहाँ नहीं है, बिल्कुल सही बात। पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, बिल्कुल सही। डी में अब भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, होलिस्टिक रूप में देखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो क्या सच है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बिल्कुल गणित के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। थीम को प्रस्तावित किया गया क्योंकि जो है ना, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी हुए और अंत संबंधित समझ के विषय के रूप में, जो 6 थीम है ना टोटल हमारी, उसको जोड़ा गया इसीलिए, क्योंकि ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 84 का 4 ऑप्शन है। 85, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अब देखिए, आपको पता है कौन कौन से हैं, फूड बिल्कुल है पड़ा, शेल्टर भी है पड़ा, थिंग्स वी मेक टू डू ये भी है पड़ा,
तीन है अपने, तीन और है अपने, बट काम और खेल जो है ना हम लेते तो है इसके अंदर, बट थीम इसके अंदर ये नहीं है। ठीक है जो दोस्तों, जो इसके तीन अलावा है ना वो हमारे क्या आ जाते हैं, एक तो फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है, एक दूसरा आ जाता है आपका वाटर पानी, तीसरा आ जाता है आपका ट्रैवल मतलब यात्रा, तीन ये हो गया आपके भोजन आवास और ये तीन ये हो गए, छः टोटल थीम है इसके अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ठीक है, पर्यावरण संबंध के संबंध में सच कौन सा नहीं है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो कंसेप्ट क्लियर करवाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान की रचना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना, ये बिल्कुल सही है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है चलते क्वेश्चन नंबर 88 में, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ सुनाना, सबसे प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य डैश है, इसका उद्देश्य क्या है हमारा, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन बिल्कुल सही, बच्चों को खोजने का अवसर देना बिल्कुल सही, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना बिल्कुल सही, बच्चों में उनके सीखने की गति का आधार पर विभेद करना बिल्कुल गलत है, तो तीन इसमें सही है ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन का, नेक्स्ट सेक्शन में जल्दी ही आपको अपलोड करवा दूंगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों का स्रोत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यह पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करता है, बिल्कुल बात सही है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है, यह भी सही है, बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अन अकेडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी अच्छे अच्छे मैं कोर्स बना रहा हूँ, और लास्ट ईयर पेपर भी मैंने सारे सॉल्यूशन करवाए थे, उसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन हुई हुई है, तो ऐसे ही देखते रहें, बने रहें मिशन डेटा प्लस वी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।